नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके राय आपका फिर से स्वागत करता हूं ऑटिज्म सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। ऑटिस्टिक बच्चे बोलते नहीं हैं, ऐसे में यह एक आश्चर्य का विषय होगा कि उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं उनको ऑटिज्म के बारे में बता दूँ। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा न तो स्वयं बोलता है और न ही दूसरे की भावनाओं को समझ पाता है। इसके लक्षण 2 से 3 साल में दिखाई देने लगते हैं जो जीवन भर रहते हैं, लेकिन यदि इसे समय रहते पहचान लिया जाए और जल्दी इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो बच्चों में सुधार की संभावना अधिक होती है। 18 महीने की आयु में भी इसे पहचाना जा सकता है। इसे जल्दी पहचानने के लिए आप TBH ऐप की हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके द्वारा आप अपने बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग करती हैं। ऑटिस्टिक बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, अतः उनकी बातें अधिक विश्वसनीय हो जाती हैं। ऑटिस्टिक बच्चे अपने पसंद के कार्य में अधिक तल्लीन होकर के कार्य करते हैं और वो वातावरण से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके साथ ही ऑटिस्टिक बच्चों में जुनून बहुत अधिक होता है और अपने कार्य के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि बड़े बड़े महान आविष्कार भी कर डालते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं से बंधे नहीं होते हैं, अर्थात लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें चिंता नहीं होती, इसलिए वो अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे दूसरों से तुलना नहीं करते और किसी से भेदभाव नहीं करते। ऑटिस्टिक बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है, वह किसी चीज़ की व्याख्या बड़ी बारीकी से और बड़े विस्तार से करते हैं। इन सभी गुणों का उपयोग उनके करियर विकास और नौकरी दिलाने में काफ़ी सहायक हो सकता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अन्य पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।